व्हाट्सअप गाइस, स्टोरी टाइम वीडियो आ चुकी है ट्रिगर्ड इंसान चैनल पर। ट्रिगर्ड भाई, निश्चय भाई जो स्टोरी टाइम लेके आते हैं अलग ही मजा आते हैं, और आज जो टाइटल है वो मस्त है, सही खेल गई एक्स गर्लफ्रेंड स्टोरी टाइम। काजू कतली, अरे याद है इसको। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब यार गाइस, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट कर देना बेस्ट पार्ट और किन वीडियोस पे आप रिएक्शन चाहते हो। साथ में एंजॉय करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट इन द वीडियो, रेडी 1 2 3। तो ये बात है उस जमाने की। बदल लो भाई, बदल लो, 3 साल हो गए अब तो इंट्रो बदल लो। स्टोरी टाइम। तुम्हें पता है, जब भी मैं कोई स्टोरी टाइम वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे मन में हमेशा एक ये डर रहता है कि यार जिसके बारे में वो स्टोरी है वो बंदा नाराज ना हो जाए, ऑफेंड ना हो जाए, कहीं फोन करके मेरे को गालियां ही ना दे, जिसकी वजह से मैं उनके रियल नाम नहीं बताता वीडियोस में। एंड स्पेशली जब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको हम काजू कतली के नाम से जानते हैं उसके बारे में कोई वीडियो बना दो तो और ज्यादा डर लगता है। आज से 8 साल पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो कहीं भाई पुलिस कंप्लेंट ही ना कर दे। एंड मैं सोचता था कि काश वो मेरी वीडियोस ना ही देखती हो, बट टू माय सरप्राइज ना ही सिर्फ वो मेरी वीडियोस देखती है लेकिन वो अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियोस दिखाती है। एंड ये उसने खुद मुझे मैसेज करके बताया इंस्टाग्राम पे, एंड उसने ये तक बोला है कि उसका पति तक उसको काजू कतली बुलाता है। उसकी शादी हो चुकी है, तो इससे पहले कि तुम लोग कमेंट्स में लिखोगे तू आज भी उसके प्यार में पागल है, प्लीज बंद करो, वो बहुत पुरानी कहानी है, इट इज हिस्ट्री मैन। बात तो सही है। अभी जो रिसेंट वाली काजू कतली वाली वीडियो थी उसको देखने के बाद उसने मेरे को ये टेक्स्ट करा, काश तू हमारी एकेडमिक राइवलरी के बारे में भी बता देता, सो योर फैंस विल नो दैट यू वर्नट जस्ट अ नूब बट अ स्मार्ट नूब। लोल, यार मुझे नूब बुला रही है, गजब बेइज्जती है। इस मैसेज को पढ़ के मेरे को याद आया कि हाँ, मेरे और काजू कतली के बीच में एक्चुअली एक बहुत ही मस्त एकेडमिक राइवलरी चलती थी, जिससे रिलेटेड है हमारी आज की स्टोरी। कंटेंट ही कंटेंट देख रहे हो, हर जगह से कंटेंट निकालेगा तारा भाई, निश्चय बोंडर आएगा बोंडर। ओके, ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 3rd में, जब मैं था क्लास 3rd में। जब हम आते हैं ना तो हमारे स्कूल वाले रैंक्स वगैरह डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी स्कूल लाइफ में फर्स्ट टाइम एवर ऐसे रैंक्स डिक्लेयर हुई एंड मेरी रैंक आई 2nd। तो मुझे इस बात का बड़ा अचंभा हुआ कि यार मैं तो टॉपर था, मेरी नजरों में तो मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो मैं सेकंड कैसे आया, फर्स्ट कैसे नहीं आया। और फर्स्ट कौन आई थी, लड़की, ऑब्वियसली लड़की होगी, लेकिन कौन सी लड़की, वो जो मैंने तुम्हें एक पहले वीडियो में बताया था मेरे लाइफ का फर्स्ट क्रश थी, स्वाति। एनीवेज, 3rd क्लास खत्म हुई, हम क्लास 4th में आए, एंड अब तो मैंने ठान लिया था कि भाई अब कुछ भी हो जाए इस साल तो मैं फर्स्ट आऊंगा ही। मैं बहुत कम्पिटेटिव था, मुझे फर्स्ट आना था, पूरे साल मेहनत करी, पढ़ाई करी, एंड अगेन टू माई डिसअपॉइंटमेंट मैं 3rd आया। इतना डिसअपॉइंट क्योंकि मेरे से आगे 2 लड़कियां लतिका और ईशा, एंड मैं 3rd रह गया बेचारा फिर से। अब तो मैंने ना ऐसे संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया, देख रहे हो पन, देख रहे हो मेरा नाम निश्चय, क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए क्लास 5th में तो अब मैंने फर्स्ट आना ही आना है। क्लास 5th में पहली बार मैं और काजू कतली सेम सेक्शन में हुए थे, एंड क्लास 5th में हमारी क्लास टीचर होती थी नीति मैम। मैं नीति मैम को ना इम्प्रेस करने के लिए बहुत ऐसा कोशिश करता था, क्योंकि मैंने एक चीज पिछले 2 साल में ये देख ली थी कि जो टीचर्स के साथ अच्छी बना के रखेगा, उनकी बातें मानेगा, उनका लाडला होगा, एक्चुअली लाडली होगी क्योंकि ज्यादातर ऐसी चीजें लड़कियां करती है, यू नो, टीचर्स पे इंप्रेशन वगैरह बनाने में अच्छी हैंड राइटिंग, यस मैम यस मैम, मैम ये देखो मैंने होमवर्क भी कर लिया, मैंने आने वाले 3 चैप्टर जो अभी तक आपने पढ़ाए हैं वो भी कर दिए, मैंने क्लासरूम भी क्लीन कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया फलाना ढुमकाना सब। तो लड़कियां ना ऐसे टीचर्स पे इंप्रेशन बहुत अच्छे से बनाती थी, तो मैंने भी अभी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी भाई नीति मैम पे बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाऊंगा, तो मैं भी एकदम यस मैम यू आर राइट मैम, आप तो खुदा हैं, आप तो गलत हो ही नहीं सकती। छुट्टी होने के बाद मैं मैम के पास जाता हूं, मैम मेरे को ना ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कर दो, ये मुंह से सुपारी निकाल के बाल के बात कर। और नीति मैम मुझसे इंप्रेस थी बहुत ज्यादा, मैं क्लास में मॉनिटर भी था, मैं प्रीफेक्ट भी था, तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, एंड इस बार तो मैं सर्टन था भाई कुछ भी हो जाए फर्स्ट ही आऊंगा। 5th का पहला सेमेस्टर हुआ, मैं नहीं आया फर्स्ट, 2nd टर्म में भी नहीं आया मैं फर्स्ट, तो फाइनल टर्म में भी कहां से ही आना था, एंड अल्टीमेटली मैं क्लास 5th में भी नहीं आया फर्स्ट, और क्लास 5th में फर्स्ट कौन आया, काजू कतली। तो अभी मेरे को ना जलन होने लग गई, मैं था बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव बचपन से ही, ऐसा गुस्सा आता था कि यार इतनी मेहनत करी मैंने, सब टीचर्स में इंप्रेशन बनाया, फिर भी मैं क्या आया, 2nd हर बार की तरह। इसके बाद 6th क्लास आई, 6th क्लास में भी एक बार फिर से 2 लड़कियां मुझसे आगे और मैं आया 3rd। अब तो आदत, एंड फिर आती है 7th क्लास। अब 7th क्लास में मैं
काजू कतली और मेरी थर्ड क्लास की फर्स्ट मेरी जो लाइफ की क्रश थी स्वाति, हम तीनों सेम सेक्शन में एंड हम तीनों अपने क्लास के टॉपर्स। फर्स्ट टर्म हुआ एंड फर्स्ट आती है काजू कतली, मैं आया सेकंड एंड स्वाति आई थर्ड। वंस अगेन मैं डिसअपॉइंटेड भाई, वही हो रहा है हर बार, लड़कियां जो है वो लैंग्वेजेस में मेरे से ज्यादा आगे निकल जाती है। मेरे मैथ साइंस एसएसटी तीनों में अच्छे नंबर आते थे लेकिन इंग्लिश हिंदी में मैं हमेशा रह जाता था। मेरे को कभी ऐसा ना वो एसे राइटिंग आर्टिकल्स लेटर्स वगैरह मेरे को कभी वो चीजें पसंद आई नहीं और जो चीज मेरे को पसंद ही नहीं थी उसमें मैं नंबर नहीं ला सकता था, ये तो अब हो चुका था फाइनल। और लड़कियां जो थी मेरे से हमेशा 10-10, 15-15 नंबर ज्यादा ही लाती थी इंग्लिश में, क्योंकि ये लोग राइटिंग में बहुत अच्छी होती थी ना, टू ऑनरेबल विद रिस्पेक्ट रिगार्ड्स योर सिंसियरली फलाना ये सब में लड़कियां हमेशा अच्छी होती थी, मतलब एटलीस्ट मुझसे तो मच मच बेटर। तो मेरे साथ वही हुआ, फर्स्ट टर्म में मैं नहीं आया फर्स्ट, लेकिन सेकंड टर्म में इंग्लिश के पेपर वाले दिन हमारे ना पेपर स्टार्ट होने से पहले अटेंडेंस होती थी तो रोल कॉल हुई जैसे ही काजू कतली की, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो सबने मुड़ के देखा, आई ला काजू कतली तो आई नहीं अभी तक पेपर देने। पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर खत्म हो गया एंड देन आई रियलाइज कि काजू कतली आई नहीं है एंड बाद में हमें पता चला कि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए उसने इंग्लिश का पेपर मिस कर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली काजू कतली सेकंड टर्म में फर्स्ट नहीं आई। और कौन आया फर्स्ट? मैं फाइनली अपनी लाइफ में थर्ड क्लास से जो मैं एफर्ट्स कर रहा था, मेहनत कर रहा था, शिद्दत से जिस चीज को चेस कर रहा था वो फाइनली अब हो चुकी थी। शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। सेकंड टर्म में अपुन फर्स्ट आगे ला था लेकिन अभी फाइनल टर्म बाकी था। अब थर्ड टर्म आया एंड हमारे जो फाइनल स्कोर्स लगते थे वो ऐसे होते थे, फर्स्ट टर्म के 10%, सेकंड टर्म के 15% एंड फाइनल टर्म के 75% लगते थे इन द फाइनल स्कोर। तो अब काजू कतली ने जो सेकंड टर्म में इंग्लिश का पेपर नहीं दिया था उसकी वजह से जो उसके 15% वो लगने थे इंग्लिश के वो तो जीरो हो गए, ठीक है, जिस वजह से अल्टीमेटली फाइनल जो स्कोर आया मेरी परसेंटेज आई 94.5% एंड काजू कतली की आई थी कुछ 92%। एंड अगर इंग्लिश के एग्जाम के 15% मैं वो ऐड भी कर लेता तब भी काजू कतली जो है वो फर्स्ट नहीं आती, पर ये चीज वो मानने को तैयार नहीं थी, वो मुझे बस यही टॉन्ट करती थी कि तू सिर्फ फर्स्ट इसलिए आया है क्योंकि मैंने सेकंड टर्म में इंग्लिश का पेपर नहीं दिया था। अगर मैं वो पेपर दे देती तो तू कहां से फर्स्ट आ जाता, वो तो मैंने पेपर ना दे के तेरे को फर्स्ट करवा दिया ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी एक वो जो अचीवमेंट थी ना कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम फर्स्ट आ गया था किसी क्लास में, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इवन आफ्टर स्कोरिंग 100 on 100 इन मैथ्स तीनों टर्म में, जी हाँ मेरे मैथ्स में सेवेंथ क्लास में तीनों टर्म में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों में 100 on 100 थे। जो मैथ्स की टीचर थी ना जो पेपर बनाती थी वो मेरे को ट्यूशन पढ़ाती थी। चीज किसी को नहीं पता होगी स्कूल में, पर मिली मैम जो है वो मुझे मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाती थी, वही हमारी मैथ्स की टीचर भी होती थी, इसीलिए मेरे सेवेंथ के तीनों टर्म में 100 में से 100 आए थे, एट्थ के तीनों टर्म में 100 में से 100 आए थे। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि वो मेरे को आके पूरा पेपर ही बता देती थी लेकिन बिकॉज शी वॉज द मैथ्स टीचर तो उनको पता होता था कि किस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसीलिए मेरी प्रैक्टिस ज्यादा करा देती थी। वो समझ रहे ना आप, समझ रहे मेरी जिंदगी में एक दाग स्कार रह गया कि मैं पूरे थर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक सिर्फ एक बार फर्स्ट आया और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी मेरा ओपोनेंट जो है वो छुट्टी पे था। मतलब मेरी क्या गलती है यार, बट मे बी काजू कतली वॉज राइट क्योंकि एट्थ क्लास में काजू कतली और मैं फिर से सेम सेक्शन में थे एंड काजू कतली एक्चुअली में एट्थ क्लास में फर्स्ट आई थी और मैं नहीं आया था, मैं शायद सेकंड थर्ड ही था, तो मे बी शी वाज राइट। वो हु नोज यार, यार मैं अपनी अचीवमेंट की इज्जत नहीं कर रहा, नहीं नहीं मैं आया था, मैंने मेहनत करी थी फर्स्ट आने के लिए यार। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी टाइम वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट एंड या दिस इज आई थिंक हमारी लास्ट वीडियो ऑन काजू कतली, तो लाइक कर देना इसी बात पे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, काजू कतली चैप्टर एंड है, मतलब यहाँ पे बोला ना दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन काजू कतली। काजू कतली भाई का प्रेम है कहीं ना कहीं। कुछ भी नहीं, लेकिन भाई ने पूरी इतनी शिद्दत से चाहा कि फर्स्ट आए, मेहनत करी, सब कुछ करा, उसी टीचर से मैथ्स का ट्यूशन भी लिया, सब कुछ करा, एफर्ट करा और आखिर में वो शिद्दत, इतनी तगड़ी प्रार्थना सातवीं कक्षा में पूरी हुई। लेकिन उस सातवीं कक्षा में फर्स्ट आने के बाद भी भाई के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि तुम फर्स्ट नहीं हो कहीं ना कहीं, क्यों मैं नहीं आई थी, मतलब ओपोनेंट मैच खेलने ना आए ट्रॉफी दे तब भी नहीं। वाह दोस्त वाह, ये तो गलत बात है। निश्चय भाई बात तो सही है। आई एम सॉरी, मतलब काजू कतली तो सॉरी बोलेगा, बोले हम समझ सकते हैं
कि भाई एक इंसान ने मेहनत करी, फर्स्ट आया, उसके बाद भी उस पर वो उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि तू फर्स्ट नहीं है, हाथ में कागज होते हुए भी नहीं भाई ऐसा सोचता ओपोनेंट की गलती तो और टाइम भी फर्स्ट आता है ना, फिर सही बात थी भाई ये तो अगेंस्ट हो गई यार ये तो वाह नहीं मैं काजू कतली ये लड़की की साइड लगी है, फेमिनिस्ट हो रही है ये लड़की नहीं मैं लड़की फेमिनिज्म मेरे लिए बोलना चाहिए, बात तो सही है बात तो सही नहीं, लेकिन ये जिस तरीके से स्टोरी टाइम वीडियो क्रिएट करी ना भाई ने बहुत बढ़िया थी और एक इंटरेस्टिंग मालूम बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा था, स्टोरी बताते गए और जो जो मीम्स लगाए थे ना बहुत परफेक्ट टाइमिंग पे लगाए हुए थे। एंड भाई देखो अब दोबारा तो मौका मिलेगा नहीं फर्स्ट आने का, कोई नहीं भाई YouTube पे हर वीडियो आपकी ट्रेंडिंग में आते रहे हम तो यही कहेंगे और उसी में फर्स्ट अब तो फर्स्ट आते रहे भाई। ओपी यार मजेदार वीडियो थी और सही खेल गई एक्स गर्लफ्रेंड काजू कतली सही खेल गई सही बोल गया। और स्वाति देखना स्वाति स्वाति तो फर्स्ट आई नहीं भाई उसके बाद कभी थर्ड के बाद तो ये देख रहे हो भाई इसका मतलब ये है कि भाई पढ़ाई लिखाई अच्छा ये नाम भी आज ही लिया उसने स्वाति स्वाति या मिली कभी भी नोटिस करे हो कभी नाम नहीं लेता रियल नेम नहीं बताता ना कभी भी नहीं बताता स्वाति शायद से बताया था नहीं बताया था काजू कतली और जो ये इसका नाम मैं ये रख देता हूँ कुछ और नाम रख देता था काजू कतली के साथ घूमने गए थे तब स्वाति नहीं थी जब नहीं। वो कुत्ते को देख के भाग गए थे नाम बताया था शायद से बताया था मुझे ऐसा लगता है नाम नहीं बताया बताया था तो भाई कमेंट कर देना दोस्तों और बहुत ही मजेदार वीडियो थी आई एम श्योर आपको मजा आया होगा तुम सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं एक और वीडियो के साथ गुड डे टेक केयर।